उत्तराखंड में जहां एक तरफ सरकारी स्कूलों पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सफलता के मंत्र गढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चे न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि एक इतिहास भी रच रहे हैं। जी हाँ, बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील में स्थित एक आदर्श प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले पांचवी कक्षा के 41 बच्चों ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस स्कूल में जहां बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के बच्चे उत्तीर्ण होने में असफल होते हैं, तो वहीं इन बच्चों ने सरकारी स्कूल में पढ़कर अपनी मेहनत से अपना परचम लहराया है। इन बच्चों की सफलता इनकी लगन और अध्यापकों के मार्गदर्शन को भी परिभाषित करती है। खास बात यह है कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी स्कूल के सभी बच्चों ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो। कपकोट तहसील में आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट के पांचवी कक्षा में 41 बच्चे हैं। सभी ने एक साथ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की परीक्षा दी और सभी उत्तीर्ण हो गए। इस स्कूल में अक्सर एडमिशन लेने के लिए बच्चों में मारामारी देखने को मिलती है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की इस प्रवेश परीक्षा में आयुष्मान शाही ने 300 अंक में 272 अंक प्राप्त किए हैं, तो वहीं शुभम सती ने 270 अंक प्राप्त कर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मैं हूं आयुष्मान शाही और मेरे विद्यालय का नाम है पीएम श्री राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपूर। तो मैं इस विद्यालय में कक्षा 3 से पढ़ रहा हूं और वर्तमान में मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूं। तो जो हमारा विद्यालय है, यहां जितने भी टीचर्स हैं जैसे कि केडी शर्मा सर, मंजू मैम, हरीश सर, किरण मैम, दीपक सर, विमला मैम, विनीता मैम और जितने भी अन्य टीचर हैं, इनका जो हमारे प्रति योगदान रहता है वो अतुलनीय है। हमारी जो क्लासेस होती हैं मेनली 3:30 तक चलता है स्कूल, पर उसके बाद भी जो हमारे सारे टीचर्स हैं हमारे पीछे लगे रहते हैं। पहले और इस बार जो सैनिक स्कूल में हमारे 41 बच्चे निकले, उसमें हमारे टीचर स्टाफ का की बहुत मेहनत है। जैसे शर्मा सर, मंजू मैम, हरी सर, ये हमारी नाइट क्लास कराते थे और हमारे क्लास के कुछ बच्चे हिमज्योति विद्यालय में भी निकले हैं। इसके पीछे भी हमारे गुरुजनों का की मेहनत है। वो हमारे पीछे मेहनत करके हमें सैनिक स्कूल और हिमज्योति जैसे विद्यालयों में हम क्वालिफाई और निकले। तो इतनी मेहनत हमारे गुरुजनों ने रात दिन करी और हमारी नेट क्लास में हमें अच्छे से पढ़ाया जाता था, एक्टिविटी कराई जाती थी और जो फॉर्मूले होते थे वो हमें गाने के साथ सिखाए जाते थे। वहीं प्रभारी प्रधानाचार्य खयाली दत्त शर्मा ने बताया कि वो बच्चों को कक्षा 1 से तैयार कर रहे हैं। कौन तो बच्चा ही है, हम सबकी मेहनत कहें, पेरेंट्स की मेहनत कहें, मेरे SMC, मेरे विभागीय अधिकारी या फिर शासन प्रशासन जो भी इस कार्य पर लगे हैं, उसका अंतिम जो आउटपुट है वो बच्चा है। वास्तव में बच्चे जैसा सदैव कहा जाता है कि गीत गति रचनाओं के आधार पर उसको लर्निंग के मौके इस अवस्था पर दिए जाते हैं, तो निसंदेह वो एक अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपने टीचर से स्नेह रखते हैं और अपनी बात को बिना झिझक के अगर वो अपनी बात को कक्षा में रख पाते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, तो निसंदेह उनका लर्निंग भी बहुत अच्छा होता है और टीचर्स को भी इस काम को करने में आनंद आता है और बच्चा ही सर्वोपरि है ये सबके लिए सर्वमान्य। अमूमन प्राइवेट स्कूलों में देखा जाता है कि किसी भी बच्चे को आसानी से प्रवेश मिल जाता है, लेकिन घोड़ाखाल के सैनिक स्कूल में उसी बच्चे को एडमिशन मिलता है जिसके अंदर प्रतिभा है। यही वजह है कि सरकारी स्कूल कपलकोट के पांचवी कक्षा के सभी छात्रों का चयन इस स्कूल में हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।